आजकल कोलेस्ट्रॉल के मरीज बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारा खान पान, हमारी आबोहवा और हमारा रहन सहन बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती है जिसके चलते हमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक का सामना भी करना पड़ता है। अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना होगा या फिर उसे नियंत्रण में लाना ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपना खान पान सही रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम अपने खाने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए हमें ये खाना चाहिए। ओट्स, रोज़ाना ओट्स का सेवन करना चाहिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। सोया, अपनी डाइट में सोया का इस्तेमाल ज़रूर करें या फिर सोया से बनी चीज़ें खाएँ जैसे कि सोया चंक्स, टोफू या सोया मिल्क। ड्राई फ्रूट्स, अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें जैसे कि अखरोट, पिस्ता, बादाम और काजू, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा लेकिन इसकी मात्रा कम ही रखें। साबुत अनाज, साबुत अनाज से बना खाना खाएं, इससे आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा। सेब, सेब का सेवन रोज़ करें, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहेगा। खट्टे फल, आपको अपनी डाइट में खट्टे फ्रूट्स शामिल करने चाहिए क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होने के कारण यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। स्ट्रॉबेरी, इसका सेवन भी ज़रूर करें क्योंकि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। भिंडी, भिंडी में एक चिपचिपा तत्व होता है और इससे भरपूर फाइबर भी मिलता है, इसका सेवन करने से आपकी नसों में चिपका कोलेस्ट्रॉल पिघलेगा। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन रोज़ाना अपनी डाइट में करेंगे तो अपना कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में पाएंगे। और भी ऐसी हेल्थ न्यूज़ के लिए देखते रहिए द हेल्थ साइट।